नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल टिप्स एंड सोल्यूशन में। और दोस्तों, हमारे पास एक प्रिंटर आया है, इसका मॉडल है लेजर जेट प्रो MFP M126NW। ये वाली जो प्रिंटर है अभी नया 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 आया है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है तो चलिए देख लेते हैं। जब हम इसमें कोई भी कॉपी करते हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या ये पेपर पिकअप नहीं करता। तो चलिए मैं कॉपी करके देख लेता हूँ ये पेपर। बस इसमें यही प्रॉब्लम है, और उसके बाद जो है यहाँ पे लोड पेपर आ जाता है एरर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लोड पेपर प्लेन लेटर, ठीक है, इस तरह से इसमें एरर आ जाता है। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे आज, तो शुरू से आखिर तक वीडियो को जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका काम, और इसको हम करते हैं रेडी, ठीक है। तो हम इसको बंद करेंगे, बंद करने के बाद जो है इसको खोल लेंगे। उसके बाद एक कॉटेज हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये वाली जो प्रॉब्लम है अक्सर सभी लेजर जेट प्रिंटर में आता है, और नॉर्मली जैसे आप पुराने वाले जो प्रिंटर है उसमें जो करते हैं सेम वही है इसमें भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें ना, ओके पहले देख लेते हैं इधर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है पेपर खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये पेपर नहीं खींच पा रहा है। क्यों नहीं खींच पा रहा है? क्योंकि इसमें धूल डस्ट या तो फिर जो टोनर पाउडर गिरा हुआ है उसके वजह से इसमें जो है ना चिकनाहट आ गया, उसकी वजह से ये पेपर पिकअप नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम एक बार ब्लोअर से साफ़ करेंगे। अगर आपके पास ब्लोअर होगा तो अच्छी बात है, साफ़ हो जाएगा, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको ब्लोअर से साफ़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसको ब्लोअर से साफ़ करके ले आया हूँ, अच्छी तरह से साफ़ हो गया है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी धूल डस्ट और टोनर पाउडर जो पड़ा था वो सब बाहर हो गया, मतलब ये साफ़ हो गया। साफ़ करने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो 50% प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है। फिर भी हम क्या करेंगे, गीला कपड़ा लेंगे और इसको साफ़ करेंगे। तो चलिए गीला कपड़ा ले लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आपको गीला कपड़ा ले लेना है और हल्का से पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है, गीला हो। और उसके बाद क्या करना है, हमको इसको साफ़ करना है। ये जो पिकअप रोलर जो दिख रहा है ना, इसको हमें साफ़ करना है। तो चले कर लेते हैं साफ, इस तरह से साफ़ करना है बराबर, ताकि इसमें जो भी डस्ट या तो फिर टोनर पाउडर कहीं रुका होगा ना, या तो फिर इसको चिकनाहट जो करता होगा वो हट जाए। तो इस तरह से जो है हम इसको साफ़ कर लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि यह सही हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से इसको साफ कर लेंगे। ये हो गया, अब हम इसमें कॉटेज को वापस लगा देंगे। ये लग गया कॉटेज, बंद कर लेते इसको। अब इसको पावर दे देते, ये मैंने पावर दे दिया इसमें। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंटर है वो रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप। तो चलिए कॉपी करके देखते हैं, और ये मैंने कॉपी वाली बटन प्रेस कर लिया है। अब देखते हैं ये पेपर खींचता है कि नहीं खींचता। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पेपर खींच लिया है। तो चलिए एक बार और कर लेते हैं ट्राई। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्रिंटर में प्रॉब्लम आ रहा था वो सही हो गया, और ये बिल्कुल ओके हो गया। तो इस तरह से जो है आप अपने प्रिंटर को बना सकते हैं, ओके कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो से कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आपके मन में कुछ सलाह या सुझाव या तो फिर सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बिता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।